जी व्यूअर्स, मैं एक आप देख सकते हैं इस बर्ड को सिर्फ पाजी ने इसने चक मार दिया था। मन तो ये कौन सा है? ये सनकानियर है। सनकानियर है और वो इंडियन रिंगनेक है। हाय व्यूअर्स, आपको मैं इनकी कंप्लीट कलेक्शन दिखाता हूँ। ये मोस्टली जो इनके बर्ड्स हैं वो सारे 46 इयर्स ओल्ड। How you know that it is 26 years old? बैंड लगा हुआ है ना। अच्छा, बैंड की वजह से आपको पता लग रहा है कि ये 26 साल पुराना है। 26 साल और ये इंडियन रिंग नेक है। ये हम लोगों के यहाँ जो इस्लामाबाद में, लाहौर में हजारों लाखों के हिसाब से कोई भी बर्ड इसके साथ रखे हुए डांस शुरू कर देगा। अच्छा, चलो चलो गेट पे चलो। अच्छा, गेट पे ले जाता है ये। तो चले व्यूअर्स, पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। चले इसको वीडियो ही बना देते हैं, यूट्यूब वीडियो बना देते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे इसके अंदर अंडे है। अच्छा, ये भी सन कानियर का ब्रीडिंग पेयर है। इसमें अंडे दिए हुए हैं, लेकिन उड़ सकते हैं ये। इसके अंदर अगर आप अंडों की बनाना चाहते हैं, ये देखो, ओह माय गॉड, 4, 3, 7 और 1, 8 अंडे। तो ये कितने तक का बिक जाते हैं ये, अगर कल को बेचना चाहे? $400 to $600 $400 to $600 में ये जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? नई चीज मुझे पता लगी, हालांकि ये मुझे नहीं पता था। मैंने भी बहुत बर्ड्स रखे कि जब मेल जो है फीमेल को खिलाना पिलाना शुरू करते हैं, उसको पार्टी टाइम हो जाए, क्या नाम है, गेट पे ले जाके अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, तो सेम थिंग। ये कौन सा है? ये है काकटेल। काकटेल का है और ये है भी आपके पास अच्छा, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला पर्ल। ओह यार, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल बेबी। हाउ मेनी बेबीज यू गॉट? 3 3 तो आप इसको फीड भी कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं शुरू किया, बट आई विल स्टार्ट सून। द थर्ड वन इज रियली स्मॉल, बट आई विल शो इट टू यू। There you go. Wow. It was born about 3 days, 4 days after this. ये नहीं है कि हाथ लगाने से मार देती है? No. ऐसा नहीं है। They all know you. तो व्यूअर्स, मैं दिखाता हूँ आपको मामा पापा इनके। एक ये क्या नाम है, ये येलो वाला क्या कहलाता है, मैं नाम भूल गया इसका। येलो अल्पिनो? नो, इसके बारे में ये कौन सा है? तो ये कौन से सबसे ऊपर वाले? टार्क्विन कहलाते हैं। अनबिलीवेबल कलर, अनबिलीवेबल। तो ये सारे ट्रॉपिकल हैं ये? या। अच्छा, और ये लव बर्ड्स हैं आपके? ये लव बर्ड है। वन पेयर हियर, वन पेयर इज इन द नेस्ट, आई मीन इन द नेस्ट बॉक्स, केम आउट। But you got a good colors though. Honestly speaking, they are unique colors. Here I got, there's one white one and blue one. They have laid eggs too. You see the blue one and white one? Yeah, I see. These are nice colors. And
three pair in here. Oh, you got lots of them. बस कानियर हैं अच्छा ये साथ आपने रखे हुए कोई मसला नहीं है these are all babies they were yeah these are all babies yeah so this one I can show you तो काकेटेल की क्या प्राइस है यहाँ पर काकेटेल ranges from 100 gray one are cheaper and all other 150 to 200 sometime if it is pain 250 come on तो viewers ने जो gray वाले जो हैं वो $100 के हैं और ये yellow वाले येलो वाले येलो वाला 152 ये उड़ के बाहर नहीं चला जाएगा हाँ नहीं इसके तो पर वगैरह पूरे हैं या बस टेन नहीं लेकिन आप इसको ओपन को एनवायरनमेंट में भी रखेंगे या कहीं नहीं जाएगा नहीं कि आपने अंदर से गेट स्केयर्ड एंड फ्लाई अवे कम ऑन क्यों ये इतना कर रहे हैं इसका नो शी कम्स बाय इटसेल्फ No, it's scared. Come on. There you go. He loves to sit here. Yeah. So here is a really good experience. There is one pair here. They got eggs too. Right I think here. Anda diya ke nahi diya, but they are very aggressive. Yeah. Stay down. Auntie, ye piche piche aa rahi hai. Ye auntie jo hai. कोको को ऊपर चढ़ने का शौक है अच्छा इसके बारे में कुछ आप बता रहे थे क्या कि ये हर वक्त या शी वांट्स टू बी विद यू ऑल द टाइम जैसे ये आपके साथ रहना चाहती है हर वक्त और ये भी उड़ेगा नहीं इसके पर कटे हुए अच्छा इसके पर कटे हुए हैं 26 साल इसकी उम्र है तो व्यूअर ये बड़ी अजीब और गरीब बात मैंने सुनी मैंने सुना था कि 15 से 18 साल इनकी उम्र होती है अच्छा ये दानों के बारे में कुछ बताएं कि दाने यहाँ कितने का मिलता है दाना रेंज फ्रॉम $1.50 अ पाउंड टू $3 अ पाउंड $3 पाउंड यूएस यूएस डॉलर के पाउंड से लेके तो यहाँ बोलिए डिफरेंट वैरायटीज कॉकटेल इज डिफरेंट This is for cockatiel, bigger birds, medium birds. So I use different kinds. This is for large birds. अच्छा, cockatoo वगैरह जाए. And this is egg food that make them breed. Some peanuts to treat them. तो peanuts भी रखे हुए हैं. हम भी खा सकते हैं ये peanuts? No. No? It's too much dust on it. Too much dust on it. Yeah. लेकिन specially आप इन्हीं के लिए। अच्छा ये आपने vitamins रखे हुए हैं। तो viewers आप ये देख सकते हैं yellow bird। क्योंकि he's a very good breeder. I was surprised. He's a good हमें tame करने के लिए ये बहुत अच्छे हैं और breeding के लिए भी। मैंने देखे मैं हैरान रह गया कि जितने इनमें अंडे इसके भरे पड़े हैं। वो आपके पास pure white cockatiel भी है। Oh yeah, pure white. ये कितने का होता है? These are expensive, $250. तो $250 का ये होता है। और क्या आप recommend करेंगे लोगों को क्या नाम है कि breeding के लिए क्या चीज अच्छी है? Breeding के लिए depends if you wanna make money or you wanna just to make money obviously. Make money yeah for sure these are good breeders, carnivores. Love birds are very easy and very good birds to tame. अच्छा दे सेल इजीली लाइक दिस वन यू सी इवन इन आउटसाइड टू शी विल कम फ्लाई टू मी सेम थिंग विद द खाने और टू ये देखें व्यूअर ये मेरे हाथ से आ गए और इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टी टाइम चाहिए होता है इसको किसी के साथ या इसको सिर्फ कंपनी चाहिए कि ह्यूमन कंपनी ये काटेगा तो नहीं तो चले व्यूअर्स यू कैन किस हिम किस सॉरी इफ यू वांट आई मीन ही इज नॉट गोना बाय कम ऑन तो
ये एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की बर्ड्स के ऊपर जो है मैंने बनाई है, तो आप ये सारा फीड जो है ना रिकमेंड करते हैं कि खिलाई जाए, प्रोटीन है, कैल्शियम है, यू गॉट टू गिव देम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, कीप देम हेल्दी। ये सारे इनके बच्चे जो है, या ग्रीन चिक कॉर्नियर वगैरह, ये ग्रीन चिक कॉर्नियर की क्या प्राइस है यहाँ शिकागो में इस इलाके में? I never bred this kind. This is the first one I got. I will see how they are. But they are very playful birds. Yeah. They like love. I used to have those green chick conures, the yeah. most smart bird. Yeah. अच्छा इसके बारे में क्या कहेंगे ये अफ्रीकन ग्रे? Color wise, they are prettier than. नहीं इसके बारे में क्या कहेंगे अफ्रीकन ग्रे के बारे में? Oh, it's Thakur, the best Thakur. ये उड़ेगा नहीं आप इसके परकटे में? No, no, ये समाज से. But they need pedicure. अच्छा तो कौन करता है इनके नाखून कौन काटता है? और यू कट इट योरसेल्फ? चलें भैया ये देखें इनके पूरे गार्डन के अंदर जो है ये उड़ के कहीं नहीं जाएंगे, इनके पर कटे हुए हैं और still they won't even try to fly away, they want to just come to me. Come on. Look at that. That's the best thing you can trust for your lips. It means they don't bite. इसको पकड़े। Coco, come on. Come on, Coco. He knows that I'm gonna take her back. He doesn't want to come. पकड़ ले यार। नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा। Guaranteed कुछ नहीं कहेगा। नहीं नहीं वो तो मुझे पता है कुछ नहीं कहेगा। हाँ white हो गई आपकी shirt. Come on, Coco. अब वो कह रही है नहीं मुझे नहीं जाना वहाँ। तो यू हैव फन है। ये देखें ये हैं? अच्छा यहाँ इसके अंदर व्यूअर जो इनका बर्ड बैथ होगा, ये इनका जो बाहर का खाना वगैरह होगा, तो ये वाइल्ड बर्ड्स। अच्छा अच्छा बाहर से जो आते हैं। अच्छा तो मैं इनका उस्मानी साहब को भी बता दूं कि हम लोग साथ ही 80s में रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर थे। ये इनके रिटायरमेंट के फन है, ये देख सकते हैं इन्होंने कितनी अच्छी लैंडस्केपिंग की हुई है। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो लेकिन मैं दिखा सकता हूँ इनकी लैंडस्केपिंग भी। और क्या नाम है, और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, इनकी पार्टी का भी इन्होंने इंतज़ाम किया, घर के अंदर ही आपको शोरमा बनाना हो आपको शोरमा भी मिल जाएगा। इनकी अपनी पनीरी है, ये खुद ही बनाते हैं लगाते हैं, ये फ्रायर हैं, ग्रिल है, वो फ्रायर है क्या नाम है। तो अगर पार्टी करनी हो तो पूरी की पूरी पार्टी गायरोस से लेके हर चीज़ जो है यहाँ पर हो सकती है। तो ये रिटायरमेंट में ये कर रहे हैं और हम जो है वीडियोस बना रहे हैं। तो हम लोग साथ ही यहाँ पर थे रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, साथ ही स्कूल गए थे यूनिवर्सिटीज वगैरह में शुरू में, 80s की बात है। तो चलें भैया, मैंने आपको उस्मानी साहब से भी मुलाकात करा दी, उनके सारे परिंदों से भी मुलाकात करा दी। तो चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस, शेयर करें, लाइक करें। कोको और इस बर्ड के बारे में बता रहे थे कि इसको ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। It's a beautiful bird. Oh yeah. It's a beautiful bird. What is it called? Oh man. Bad job. Oh man, you need, guys need a pedicure, man. Oh shit. God damn it. It's like this yellow one. हल्के में तीन ले गया आता हूँ, इसको बना के डाल देता हूँ। मोदी ने बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट दी, ये नहीं कि वो समझते नहीं। कम ऑन मगर कम ऑन साथ तजारत की बात है, डिफेंस सेल्स की बात come. है कम ऑन कम ये चीज अपनी जगह पे है। तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बात की थी कि पावर और प्रिंसिपल देखिए जी, बेसिकली दो चीजें वो अगर आप पालमी
क्या हुआ? What's up? What? आप उसको क्या नाम है लव बर्ड को भी छोड़े इसको? वो अच्छा वो मारेंगे उन बेबीज को. नो It's okay. So now I'll put the shirt on. Come on. ये नमाज़ ये ज़हर की नमाज़ का